गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अपिल बिश्नोई एंड आई एम फ्रॉम सूरतगढ़। और ये मेरे चैनल पर पहला वीडियो है। प्लीज़ गाइस, मेरे को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। और आज मैं खेलने वाला हूँ ड्यूड थेफ्ट वॉर्स का एक वर्जन। और अभी अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने किसके साथ खेलेंगे? जैक भैया के साथ ही खेलेंगे। हाँ, आज अपने रिचि भैया को अनलॉक करेंगे, क्योंकि भाई लोग ये अपना पहला वीडियो है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेरे आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बता देना। हेलो, ओ ये देखिए अपने जैक भैया का घर। अभी ये देखिए, इसके अंदर एक लगा हुआ है होम थिएटर। कितना गजब का थिएटर है भाई, आप देख ही सकते हैं। ओ भाई, मतलब मैं पहली बार ये गेम खेल रहा हूँ, फिर भी अच्छा ऐसे करते हैं, इस गेम को ऐसे खेलते हैं। ओ इधर क्या है, ये बटन किस चीज़ का है? इस बटन को दबा के देखते हैं। ओ लाइट, इस घर में लाइट भी है। वाओ, मेरे को लगा था इसके अंदर लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। ओ भाई, इसकी किचन देखो, कितनी गजब की किचन है। केला कूला खा सकते हैं अपने कुछ देखकर ट्राई करते हैं। ओ अपने तो कुछ खा भी नहीं सकते भाई। चलो भाई, इस टोकरी को क्या करें, फेंक देते हैं कहीं। ओ अभी ये फ्रिज भी है यार, ये खुलता नहीं है भाई। ओ आप देख सकते हैं इनका रिचि भैया, अरे जैक भैया का बेड कितना गजब का है। आप अभी अपने पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ओ भाई, कितनी गजब की गाड़ी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये कौन सा मॉडल है, लंबोर्गिनी है ना भाई, कितनी गजब वाली। ओ ये चलाते कैसे इसको? अच्छा अच्छा, ऐसे होते हैं कंट्रोल। आज अपने जैक भैया को छुड़ाने जा रहे हैं, मतलब किस तरफ है मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है। पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे हैं अपने। अभी थोड़ा सा रुकिए, आपको मैं अभी पुलिस स्टेशन पे जाके ही मिलता हूँ। ये देखिए भाई लोग, अपने पहुँच चुके हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। अंदर तो नहीं, मतलब बाहर पहुँच चुके हैं, मजाक कर रहा हूँ भाई। और इसके इधर के अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, ये क्या चीज़ है? ओ चलो ऊपर चलते हैं। ओ ऊपर कुछ है भाई, चलो ऊपर जाके आते हैं। ओ यहाँ पे कुछ है, चलो। ये अपने कौन है, अपना कोई फ्रेंड? अच्छा जैक भैया है। ये किससे बात कर रहे हैं? रिचि भैया से। ओ ये भी डांस करेंगे कई देर तक, ये क्या कुछ बोल रहे हैं भाई। चलो मैं इनसे बात करके आपको बात करता हूँ आगे। तो भाई लोग, अपने पुलिस स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और मैंने रिचि भैया से बात कर ली है कि अपने को क्या करना है आगे। और अभी रिचि भैया ने बताया कि केरल से बात करके आनी है अपने को कोई, तो अभी अपने चलते हैं केरल के पास। और मैं केरल के घर पे जाने के बाद ही मिलूँगा आपको सीधा। तो एक बार मैं चलता हूँ केरल के पास। तो यो भाई लोग, अपने केरल भैया के पास पहुँच चुके हैं और अभी अपने इनसे बात कर रहे हैं। आई हैव हर्टेड। अच्छा, तो अभी अपने को पता चल चुका है कि क्या कहना चाहते हैं। चलिए, अभी अपने को पुलिस स्टेशन के पीछे से कार लेके आनी पड़ेगी। तो किधर है पुलिस स्टेशन, मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि अपने इस साइड से आए थे शायद। हाँ, तो इधर कहीं होगा पुलिस स्टेशन। तो अपने इस मैप के अंदर एक बार देख लेते हैं किस जगह पे है पुलिस स्टेशन। तो यहीं कहीं होना चाहिए पास में। कहाँ पे है ये रहा, हाँ मिल गया भाई अपने को। तो अभी अपने चलते हैं पुलिस स्टेशन पे। अभी अपने को इस एरो की तरफ जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी चलिए, अपने को किसी की गाड़ी लेनी पड़ेगी यार ऐसे तो। ओ उधर शोरूम भी है शायद, एक कोई मेरे को लग रहा है कैसे वहाँ पे कोई शोरूम है। चलो वहाँ पे देख के आते हैं कुछ है क्या। ओ कार्स भी है उधर तो। ओ देखो भाई बादल कैसे हैं, वैसे जैसे अपने कोई नोटबुक ने फेंकते हैं वैसे बादल है। ओ भाई कितनी गजब की गाड़ी है, लेकिन काश। ओ अपने इसके अंदर जा भी सकते हैं। चलो भाई अपने इसको चुरा के ले जाते हैं। और अपने को किधर जाना है भाई, मैं किधर जा रहा हूँ? अच्छा सीधा ही जा रहे हैं। ओ अपने को मिल गया ये, तो अभी अपने इससे बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि क्या है इस, अपने को क्या करना पड़ेगा अभी। ओ इधर ही कुछ आ गया ब्लू ब्लू डॉट सा। अभी अपने को पुलिस स्टेशन से शायद बाहर निकलना पड़ेगा। क्या है इधर? ओ यहाँ पे कुछ है। ओ भाई, ओ
ये गाड़ी किसकी है? अच्छा हाँ ये वही कार है जो कैरल ने मंगवाई थी शायद। अभी अपने को कैरल के घर पे जाना पड़ेगा। वैसे मेरे को ढंग से उसकी लोकेशन याद नहीं है, इसलिए मैं मैप के अंदर लगा के करता हूँ भाई किधर है इस कैरल का घर। अच्छा हाँ यही है। सॉरी सॉरी, ओ भाई गलती से हो गया। कैरल भाई साहब के घर पे चलते हैं अभी अपने। इधर है कैरल भाई साहब का घर, हाँ इसी तरफ है। वैसे अपने को कैरल भाई साहब के घर से लेके क्या आना है? अरे यार अपने उधर अपने वो लंबोर्गिनी उधर ही छोड़ा है। चलो भाई अभी देखते हैं कैरल भैया क्या बात करेंगे। ओ भाई ये उड़ने लग गई, देखो गाड़ी कितनी गजब की। ओ यार 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 क्या हो रहा है? अच्छा इसकी ड्रिफ्ट भी देखते हैं अपने, इसकी हाई स्पीड कितनी है देखते हैं। ओ कितनी गजब की ड्रिफ्ट है भाई, ऐसी गाड़ियों की भी ऐसी ड्रिफ्ट होती है, पहली बार देख रहा हूँ यार। और इधर अच्छा कैरल भैया ने यहाँ पे एक गाड़ी मंगवाई थी ना, अच्छा कैरल भैया के लिए है। तो अभी अपने आगे चलते हैं, क्या इस गाड़ी के अंदर वापस बैठना पड़ेगा शायद अपने। हाँ, वापस जाना पड़ेगा। अच्छा कैरल भैया यहाँ पे मंगवाई अपने को गाड़ी, अपना मिशन कंप्लीट हो गया। आप यस भाई अभी अगला मिशन मैं करने जा रहा हूँ, और अगला मिशन में है थैंक्स दैट को, थैंक यू भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने को $500 मिल चुके हैं भाई। ओ इसके अंदर रेस करनी है यार, ये रेस होएगी कैसे? अच्छा टाइम लिमिट भी है इसके अंदर तो भाई। अच्छा इधर मुड़ना है यार, कैसी रेस है? ओहो यार कैसी गाड़ी है? ओए ए, 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 क्या हो रहा है इस गाड़ी के अंदर? चलो भाई देखते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या होता है। अरे यार मेरे को कुछ पता भी नहीं है, क्यों मैं ये गेम पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा इसके अंदर बूस्ट भी है। अरे यार किधर जाऊँ मैं अब? अच्छा इधर जाना है, इधर इस तरफ जाना है। हाँ ओ भाई कितना गजब का बूस्ट है, आप देख ही सकते हो। ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। ओ इस गाड़ी की आप देख ही सकते हैं भाई कैसी ड्राइविंग है, इतनी घटिया ड्राइविंग। मतलब इसे लोग सस्ती GT5 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस गाड़ी की इतनी घटिया ड्राइविंग है। ये गाड़ी चलती ही नहीं है, ये तो मतलब अगर थोड़ी सी ड्रिफ्ट आ जाए तो ये हवा में उड़ने लग जाती है, आप देख ही सकते हैं भाई ये क्या हो रहा है। अरे इस गेम में तो सारी गाड़ियां उड़ती है। अरे मैं किस तरफ आ गया? अच्छा वापस मेरे को यहीं जाना पड़ेगा लगता है, टाइम बहुत ही कम बचा है भाई, क्या कर सकते हैं। चलो गाइस अपने कल अगले वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि ये मेरा मतलब मैं आपको बस एक छोटा सा गेम प्ले दिखाना चाहता था क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। तो गाइस अगर आपको दूसरे गेम प्ले के वीडियोस भी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा ये पहला वीडियो है इसलिए आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और अभी कल मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।